एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही है। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि किस तरह से उनके एक एम्प्लॉय ने उनके ऊपर 2 करोड़ का केस किया। अब श्वेता तिवारी के हस्बैंड ने एक बार फिर से श्वेता तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बात कही है। एक्चुअली अभिनव जो कि श्वेता के सेकेंड हस्बैंड है, उनसे एक बेटा है उन्हें रेयांश, और शुरुआत से अभिनव की ये शिकायत रही है कि रेयांश से श्वेता तिवारी उन्हें मिलने ही नहीं देती है। ना दिवाली के दिन उन्हें रेयांश से मिलने दिया गया और ना ही अभिनव के बर्थडे के दिन वो रेयांश से मिल पाए। और अब आज रेयांश का बर्थडे है तो आज भी श्वेता तिवारी ने रेयांश को अभिनव से मिलने ही नहीं दिया है और ना ही बर्थडे विश करने दिया है। अभिनव इससे पहले भी श्वेता तिवारी के घर के बाहर से एक वीडियो लाइव कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो श्वेता तिवारी के घर जाकर उनके डोरबेल बजा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। वो अपने बेटे से मिलने गए थे लेकिन श्वेता उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रही है। अभिनव श्वेता तिवारी के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं जिसके तहत वो अपने बेटे की लीगल कस्टडी पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी श्वेता तिवारी ने एक स्मार्टनेस खेल ली, वो ये कि रेयांश के इतना बड़ा होने के बावजूद श्वेता अभी भी उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ताकि कोर्ट में रेयांश की कस्टडी श्वेता तिवारी के पास ही रहे, इस कारण कि उसे बार बार रेयांश को ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है। अभिनव ने श्वेता पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो रेयांश को लेकर यूके में सेटल होना चाहती है, जिसके लिए उसने वीज़ा भी लगवा दिया था और अभिनव के नकली साइन कर लिए थे। बाद में ये सब चीज़ें कैंसिल हो गई। अभिनव कहते हैं कि उन्होंने म्यूचुअली श्वेता से कई बार अपने इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन श्वेता समझने को ही तैयार नहीं है। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी और अभिनव के बीच डिस्प्यूट तब से शुरू हुआ जब से श्वेता और उनकी बेटी पलक ने अभिनव के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से अभिनव श्वेता के पहले पति से जो उनको बेटी है पलक, उसको गंदी पिक्चर्स और गंदे मैसेजेस भेजते हैं।